सी वील जस्ट हैव एन आइडिया कि हमने कहाँ से चालू किया था, व्हाट ऑल हैव वी अचीव्ड, एंड हमारा जर्नी तो पता ही हमको कि करना क्या है वो तो पता है, कहाँ से चालू किया था और अभी क्या अचीव किया है, करंट स्टेटस क्या है, एंड व्हाट कैन वी ऐड सबट्रैक्ट टू दिस सो दैट वी गेट टू द डेस्टिनेशन दैट वी वांट, है ना। यस तो वंस वी बिगेन आवर मेंटरशिप, तो इफ यू रिमेम्बर वी हैव कंप्लीटेड आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स, है ना। अभी मैं फिर यस अभी स्क्रीन शेयर करके आई ऑल्सो राइट की क्वालिटी में हमने क्या कर लिया, हमारी एक्यूरेसी क्या है, एंड व्हाट ऑल कैन वी ऐड टू दिस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स दैट वी हैव कंप्लीटेड। अभी हमारा करंट स्टेटस क्या है एवरी सब्जेक्ट में और हम कहाँ जा सकते हैं, सो एज टू व्हाट आर द चेंजेस दैट वी कैन मेक सो दैट 5 जून को हम जब वहां से देखे हैं तो नेक्स्ट डे से मेंस की पढ़ाई चालू कर दे। देयर इज नो आयोटा ऑफ डाउट कि होगा कि नहीं होगा कि क्या होगा, ये होगा वो होगा, ये सब नहीं। नेक्स्ट डे भले 2-3 दिन छुट्टी लीजिए, ठीक है, बट उसके बाद जो है हम चालू कर दे अपनी पढ़ाई, है ना। हाँ, तो उससे पहले इफ यू हैव सम डाउट्स कैसा क्या ये वो पूछे, वरना हम पहले वो एक बार स्क्रीन शेयर करके वो सारा डिस्कस भी कर लेंगे, देन यू एंड आई विल अगेन टॉक, एक 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 मतलब डाउट सेशन भी रख लेंगे। नहीं सर, डाउट नहीं है, बस पूछना था कि आगे की स्ट्रेटेजी कैसे होगी एंड कब देखो कैसे करना है। करेक्ट, देखो आगे के लिए अभी ये बहुत जानना जरूरी है कि हमने कितना कर लिया, व्हाट ऑल हैव वी अचीव्ड, है ना। दिमाग में वो क्लैरिटी रहनी चाहिए कि मैंने भाई इतना कर लिया है इन इन सब्जेक्ट्स में, अब इसमें मुझे वैल्यू एडिशन क्या करना है, या कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कैसे करना है ना, और जी व्हाट इज अ बैलेंस्ड स्ट्रेटेजी, लाइक हाउ डू वी गो अराउंड प्रीलिम्स। सी नंबर वन, एक बात कॉन्फिडेंस आप ले लो इस चीज का, इट इज नॉट हाउ मच यू स्टडी फॉर प्रीलिम्स बट हाउ यू आर गोइंग टू स्टडी, है ना। यस क्योंकि आप पढ़िए मैं पढ़ूंगा, बोथ ऑफ अस विल नो ओनली 45 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस, यस चाहे कितना भी पढ़ ले किसी भी सोर्स से पढ़ ले, 80 पेपर कर लीजिए 100 पेपर कर लीजिए, वी वुड नो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, बट हाउ टू मूव फ्रॉम 50 क्वेश्चंस टू गेटिंग 65 करेक्ट, और 50 में आप जो है नुकसान कर लीजिए एंड कम टू 40 करेक्ट और 45 करेक्ट एंड आउट ऑफ द लिस्ट, दैट इज डिपेंडेंट टोटली ऑन आवर स्ट्रेटेजी, क्योंकि प्रिलिम्स इज अ गेम ऑफ स्ट्रेटेजी। द बिगेस्ट स्ट्रेटेजी टूल इन योर प्रिलिम्स इज कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, और कॉन्फिडेंस उस दिन एग्जाम में तो आ नहीं सकता, है ना, चाहे आप कोई भी भगवान के लड्डू खा लीजिए, दैट विल जस्ट बी यार अंदर से तो मन में तो लग रहा है ना कि भगवान भी तो उसी की बात करता है जो खुद की करता है ना। तो वहां तो आपको यही लगेगा कि अरे यार घर वालों ने तो दे दिया इतने विश्वास से, लेकिन मेरे तो अंदर से वैसी हालत खराब है ना। बट ये कॉन्फिडेंस अगर हम आज से बिल्ड करेंगे तो इट विल बी अ वेरी वेरी बिग बूस्टर, है ना। सो गॉड ऑल्सो हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है ना। सो लेट्स हेल्प आवर सेल्फ। ओके, तो सबसे पहले विल स्टार्ट विथ मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, क्वालिटी से ही स्टार्ट करते हैं। कंफर्टेबल रहिए यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, अरे यू एंड आई नो सिंस लास्ट 4-3-4 मंथ्स, है ना। तो पॉलिटी में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आर वी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सोर्सेज जहां से हमने पढ़ा है ना। सो वी हैव डन द एनसीईआरटी, वी हैव डन लक्ष्मीकांत, पीएम बख्शी का क्या, हाँ पीएम नॉट टोटल लेस, लक्ष्मीकांत का एक पार्ट बचा हुआ है आई थिंक आफ्टर प्रेसिडेंट वाला पार्ट, है ना। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट 10 या 15 फर्स्ट, हाँ फर्स्ट चैप्टर। प्लानर इज डन टिल आई थिंक आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कवर किया हमने, आई थिंक प्रेसिडेंट वाज द लास्ट टॉपिक, रेसिडेंट वाज द लास्ट टॉपिक। करेक्ट। ओके, सो वी विल डू इन द नेक्स्ट हाफ प्रेसिडेंट से लेके आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तक करेंगे। पीएम बख्शी का क्या स्टेटस है पीएम बख्शी का मैंने वो आर्टिकल्स किए थे, जी। लेकिन व्हाट आई एम, क्योंकि आर्टिकल्स मुझे याद रखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, या फिर या इन दैट सेंस कि कंफ्यूजन आ रहा है बाद में, क्योंकि कंटिन्यूअस थिंक का तो इतने सारे आर्टिकल्स है, तो आई वाज जस्ट गोइंग टू आस्क कि मैं लिख के कर लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ तो हाँ इजी देख, रहेगा। ठीक है, देखिए पीएम बख्शी को करने का एक सिंपल स्ट्रेटेजी है, 5-5 आर्टिकल करने हैं सुबह, देखिए आप कभी भी व्हेन एवर यू आर हैविंग टाइम, एंड इन द डे ट्राई टू राइट इट व्हेन एवर यू गेट टाइम ऑन अ स्टिकी नोट, ट्राई टू राइट इट फ्रॉम मेमोरी। फर्स्ट फोकस इज टू डू टिल आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51, क्योंकि 5 से 6 सवाल यहीं से आएंगे,
योर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, दीज यस विल कवर, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ये वो वगैरह, दीज विल कवर योर 5 to 6 क्वेश्चंस, है ना। यस तो इसको सुबह लिखिए, सुबह पढ़िए, एंड देन ट्राई टू राइट इट व्हेनेवर यू गेट टाइम, है ना। उसके बाद लिखने का, मेमोरी से लिखने के 3 फायदे। एक तो आप जब GS2 का आंसर लिखेंगे मेंस में, तो ये इंट्रोडक्शन है आपका पॉलिटी के, यू कैन डायरेक्टली कोट द आर्टिकल, ठीक। अगर आपको प्रीएम्बल याद हो गया, तो कभी भी कोई एस्से आया आपका जिसमें आइडिया ऑफ इंडिया, व्हाट इंडिया शुड बी, इंडिया एट 75, अमृतकाल, इंडिया एट 100, जो भी है एक्स वाई जेड, तो यू कैन ऑलवेज राइट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशली सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, टू एंड टू इंश्योर इट्स पीपल जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी, वो सारी चीजें आप लिख दो, दैट इज द आइडिया ऑफ इंडिया दैट आवर फोर फादर्स हैज विजन फॉर अस, है ना। यस, तो वो आपका एक रेडीमेड कंक्लूजन है। कई बार एसे में, सेकेंड एसे में स्पेशली टाइम का क्रंच होता है और कंक्लूजन वहां पे सोचना मुश्किल हो जाता है। तो एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप यूज करेंगे। देन थर्ड चीज क्या है कि प्रीलिम्स के ऐसे क्वेश्चन जिसमें दे आर आस्किंग फ्रॉम टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो टर्म्स विच आर रिटन इन द आर्टिकल इटसेल्फ, जैसे पूछ दिया कि आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज वायलेटिव ऑफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ लिखा हुआ है आपके आर्टिकल 39 में, है ना, 39C से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो अब हमने अगर 39C पढ़ा होता, तो हम वहां दिमाग नहीं लगाते कि ये फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है ना। यस यस, तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड इन पॉलिटिक कम्स एज अ सब्सिडरी और एंसिलरी टू द फैक्ट दैट हाउ मच हैव यू डन द टेक्निकल पार्ट। यस, जहां हम दिमाग पहले लगा लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में लगाएंगे, वहां यूपीएससी गलत करा लेगा आपसे। जैसे उन्होंने एक बार क्वेश्चन में पूछा था कि वेलफेयर आइडल्स आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, एक और कोई ऑप्शन था। सो नाउ मेनी ऑफ द पीपल मार्क्ड प्रीएम्बल की जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी लिखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने फिर आर्टिकल 38 पढ़ा है, वहां पर लिखा हुआ है कि ऑल द स्टेट्स, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट शुड वर्क फॉर वेलफेयर, और उसमें लिखा हुआ है कि वेलफेयर में कैसा होना चाहिए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो टू बी मेंशनड इन द प्रीएम्बल, बट टू बी ऑल्सो मेंशनड इन द डीपीएसपी वेरी क्लियरली। वेलफेयर कहीं प्रीएम्बल में नहीं लिखा ना, प्रीएम्बल में तो आइडल्स तो लिखे हैं, लेकिन वेलफेयर नहीं लिखा, और यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि वेलफेयर होगा और कैसा होगा, एंड इट क्लियरली सेज दैट इट विल बी अ गाइडिंग लाइट टू ऑल नेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना। यस, जैसे मैं आपको वो एक मिनट आर्टिकल पढ़ते भी सुनाता हूँ, सो दैट यू विल हैव क्लैरिटी। ये आर्टिकल 38 है, तो the state shall try strive to promote the welfare of the people by securing and promoting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of national life. So welfare ki bhi baat kar rahe hain, idols ki bhi baat kar rahe hain, and both the terms are mentioned. So this is a better, safer choice than preamble. Yes. So that is the idea. Theek hai, to abhi एक्यूरेसी अब हमारी पॉलिटी में क्या होनी चाहिए, 80-90% है, प्रेफरेबली 90%। एक सवाल गलत हो, दो गलत हो गए, खतरे की बात है, तीन के ऊपर तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दिस इज वन सब्जेक्ट विच सिक्योर्स योर एबिलिटी टू टेक रिस्क इन अदर क्वेश्चन। बोथ पॉलिटी और ज्योग्राफी ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मतलब प्रीलिम्स में खेलने में मदद करते हैं। You have to venture into those 10, 15, 20 questions where you have to take that element of risk. But yes, वो confidence तो तब आया ना जब मान लीजिए, for example, who should invest in stock market? तो stock market में वही invest करेंगे ना, it says ना it is a subject of risk etc. वगैरह वगैरह। Yes, 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 yes. तो आपका अगर पूंजी ठीक है तो ही आप stock market में वो कीजिए। तो ये हमारी पूंजी है पॉलिटी के, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सवाल ठीक होंगे कम से कम, तब जाके तो हम आगे के उसमें रिस्क लेंगे, है ना जी। तो अब इसकी एक्यूरेसी को बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि आपके जो टेस्ट का आपने वो दिया था मुझे, तो उसमें इन सम ऑफ देम इट हैज गॉन डाउन टू 50% ऑल्सो। यस, in overall, although your accuracy was 72%,
यस बट इन सम ऑफ देम इट वाज वेरी अलार्मिंग, 50-60% इज वेरी अलार्मिंग, है ना. यस तो वी आर गोइंग टू सब्सटेंशिएट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एरिया में हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. जरूर अंडरस्टैंडिंग पार्ट में गलत हो रहा है या फैक्चुअल पार्ट में, ऑल्दो यूपीएससी रेयरली चेक्स फैक्ट इन पॉलिटिक्स. जब भी वो कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी चेक करना चाहते हैं, वो आपको कॉन्सेप्ट ही पूछना चाहते हैं. लाइक इवन इफ दे आस्क्ड लास्ट ईयर कि देवी लाल ने कितने सीट से कॉन्टेस्ट किया था उन्होंने, तो वो भी वो यही पूछना चाहते थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक है कि दो सीटों से ज्यादा आप नहीं चुनाव लड़ सकते, है ना. तो दे वर नॉट ट्राइंग टू चेक कि इन्होंने कितने सीट से लड़ा या नहीं, दे वांटेड टू नो वेदर यू नो दिस और नॉट एज एज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म, है ना जी. तो वी विल आइडेंटिफाई द एरिया एंड उसी पे वर्क करेंगे. सपोज पार्लियामेंट इज अ कंसर्न फॉर अस, पार्लियामेंट विल स्टडी फ्रॉम लक्ष्मीकांत. पार्लियामेंट के सम पार्ट्स मे बी वी विल आल्सो स्टडी फॉर वन आवर फ्रॉम सुभाष कश्यप. जैसे पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं जो, वो सुभाष कश्यप के दो पेज में अच्छा दिया हुआ है. अगर मेरे पार्लियामेंट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मैं वहां से सब्सटेंशिएट कर लूंगा. ठीक. सेकेंड देन क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है, इसमें चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी. पॉलिटी में क्वेश्चन करते समय ये बहुत जरूरी है कि ए करेक्ट है तो क्यों है, बी इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, सी और डी इनकरेक्ट है तो क्यों है. यू शुड आइडेंटिफाई दीज रीजंस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लाइक दिस. ठीक. एक तो इससे क्या है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंक्रीज होगी, यू आर एक्टिवली डूइंग ईच ऑफ द ऑप्शंस. तो एक ऑप्शन देख के पहले तो आप आगे नहीं बढ़ोगे जी. सेकेंड थिंग इसमें क्या है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके एक्चुअली में हाउ मेनी क्वेश्चंस आर यू सॉल्विंग. चार. क्योंकि आप हर क्वेश्चन पे क्यों नहीं है और है हर ऑप्शन के लिए देख रहे हैं. तो इसमें पॉलिटी में ये पार्ट करना है कि ये सही है तो क्यों सही है, व्हाट इज द रीजन, और ये गलत है तो क्यों है. ठीक. एंड देन फर्दर पीएम बख्शी को हम कैसे स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे उस पर वर्क करें. क्योंकि 51 के बाद भी कौन कौन से आर्टिकल हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको टेबल्स भी कराऊंगा लक्ष्मीकांत के. सम टेबल्स आर ऑफ सिग्निफिकेंस क्योंकि indirectly, directly it may not help, indirectly it may help. ठीक. तो ये अपनी पॉलिटी का है स्ट्रेटेजी. Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civils Daily.